एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी आज बढ़िया हूँ, काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ आज मैं। और गाइस, अभी मैं हूँ अपने घर पर और आज मेरे घर वाले मुझसे चाहते हैं, मतलब काफ़ी दिन से ना मेरे घर वाले मुझे बोल रहे हैं कि मैं ना मूंग दाल का हलवा बना दूँ। मैंने 2-3 बारी पहले बनाया हुआ है, लेकिन काफ़ी साल से मैंने नहीं बनाया। मैंने बहुत साल पहले बनाया था, तो आज मैं मूंग दाल का हलवा बना के खिलाने वाली हूँ। बिकॉज विंटर है, विंटर में तो क्रेविंग वगैरह होती ही रहती है, हलवा वगैरह खाने का मन करता रहता है। मेरा भी जब मैं बीमार थी ना, तो मेरा काफ़ी टाइम से ना हलवा खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, लेकिन बीमार थी तो बना नहीं सकती थी, तो इस वजह से बनाया नहीं था और खाया भी नहीं था। अगर खा लेती कुछ गड़बड़ हो जाती थी, लेने के देने पड़ जाते हैं। सो आज मैं बनाऊंगी मूंग दाल का हलवा। पहले ना मुझे मूंग दाल का हलवा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब मैंने बनाया था ना, एक बार खाया था मैंने पता नहीं कहाँ, तो फिर उस दिन से मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लग गया था। तो वैसे मेरा कुछ फेवरेट नहीं है ये मूंग दाल का हलवा, लेकिन अभी मैं खा ही लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो लॉकडाउन में बनाया था, फर्स्ट टाइम मैंने ना लॉकडाउन में बनाया था मुंबई में मूंग दाल का हलवा। डोली बता रही हूँ, हम लोग वहीं पे थे, है ना, यूट्यूब देख के ही बनाया था मैंने भी ना, वीडियोस देख के ही सीखा था मूंग दाल का हलवा। हाँ, बहुत टेस्टी बना लिया था मैंने मूंग दाल का हलवा। आज देखते हैं, अब इतने टाइम के बाद बनाएंगे, कैसा बनता है मूंग दाल का हलवा, ट्राई करते हैं, देखते हैं। आप लोगों को भी ना मैं दिखाती हूँ कि मूंग दाल का हलवा कैसे बनाया जाता है। घर पे आराम से बना सकते हैं, इजी तरीके से, बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को क्रेविंग हो रही है रात को भी, तो आप उसी टाइम इंस्टेंट बना के खा सकते हैं मूंग दाल का हलवा। सो हम किचन में प्रवेश कर चुके हैं हलवा बनाने के लिए। वैसे तो मैं हलवा बनाएगी और मैं सीखूंगी आज। हाँ, तो सीख ले। और ये बताओ, सीखना है कि हलवा, मूंग दाल का हलवा कैसे बनता है। पहले मुझे ये बता, मूंग दाल कहाँ है जो मैंने तुझे भिगोने के लिए दी थी? वो मैंने सुखा के यहाँ रखी हुई है। हाँ, ये अभी करारी हो चुकी है मूंग दाल ना, अभी इसको ना पहले रोस्ट कर देते। धो के रख दिया था इस मूंग दाल को ना मैंने सूखने के लिए। एक तरीका और है, मूंग दाल को आप लोग भिगो के भी रख सकते हो 3-4 घंटे के लिए ना, उसके बाद वो थोड़ी सी सॉफ्ट और नर्म हो जाती है। देन उसके बाद आप उसे मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हो, फिर वो गीला गीला सा ना उसका बेस तैयार हो जाता है, जैसे सूजी होती है, आटा होता है, वैसे वाला ही वो हो जाता है। लेकिन इसको अभी मैं जो है ना, इस मूंग दाल को मैंने ड्राई करने के लिए रख दिया था, तो अभी मैं इसे ना अच्छे से इसको अभी मैं रोस्ट करूंगी कढ़ाई के अंदर। आप लोगों को दिखाती हूँ कि इस तरीके से ना क्या होता है कि थोड़ा सा ना कलर आ जाता है, तो आप लोगों को दिखाती हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। एक कटोरी मैंने ले ली है दाल का, बड़े वाली है ये, तो क्योंकि इसको अंदाजे से ले लेते हैं, फिर ना इसके बाद इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड करनी होती है, वो भी फिर ना अंदाजे में ही रहेगी। ये जलाएगी सबसे पहले गैस, चला दी अभी रख दी। सो मैं आज शेफ हूँ और डोली हेल्पर है आज मेरी, और हमेशा ही होती है, कोई ना कोई तो चाहिए रहता साथ में। सो अभी इसको ना, हलवे को ना आप ना नॉन स्टिक की कढ़ाई में ही बनाए। मैं अभी इसके अंदर डालेंगे देसी घी, अभी मैं डाल रही हूँ एक करछी। इस मूंग दाल के हलवे के अंदर ना देसी घी ज्यादा डलेगा। घी गर्म हो रहा है यहाँ पे। अरे यार, रोस्ट तो हमें तो रोस्ट दूसरी कढ़ाई में रोस्ट करते हैं इसको, तब तक रखते हैं साइड पे। हमेशा मैं घी क्यों डाल रही है, दाल ऐसे थोड़ा हलवा बनेगा, इसको पहले रोस्ट करना है, घी के बिना रोस्ट करना है इसको पहले। दाल हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, ऐसे देखा। अरे मैंने भी थोड़ा बहुत दाल का कलर आएगा ना अभी, अभी धीरे धीरे थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी तो अच्छा कलर आता है फिर मूंग दाल का ना। इस तरीके से बन जाता है, बहुत तरीके होते हैं यार इस हलवे को बनाने के, इसके अंदर मिक्स भी बहुत चीजें करते हैं, बट हम लोग तो मिक्स नहीं करेंगे। घी की खुशबू आ रही है अभी तो फिलहाल, घी इसकी भी खुशबू आएगी, ये तो अभी रोस्ट होएगा अच्छी थोड़ी देर। तो अभी इसके अंदर ना थोड़ा थोड़ा कलर आ रहा है, ब्राउन कलर की हो रही है दाल, थोड़ी थोड़ी रेड सी दिख रही है। हाँ दिख रही है, अभी बस इसे घुमाते जाओ अच्छे से, ताकि ये सही रोस्ट हो जाए ना। इसे प्लेट में डाल दूँ, बिकॉज इसको ना अभी थोड़ा ना ठंडा होने के लिए रख देंगे, देन उसके बाद ना इसे मिक्सी में पीस देंगे, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद पीसेंगे, क्योंकि अभी ये थोड़ी गर्म है। सो अभी करेगी डोली इसको मिक्सी के अंदर ग्राइंड अच्छे से, लेकिन इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना है डोली, ठीक है? ठीक है, इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना है, क्योंकि मूंग दाल थोड़ा सा ना वो मोटी सूजी होती है जैसे, वैसे सा अच्छा लगता है ना। एक एक दाल की। हाँ,
हाँ नहीं तो कम हो जाएगा है ना। कम हो गया तो तुझे कम मिलेगा खाने को फिर। मुझे तो सबसे पहले मिलेगा, मैं तो पहले ले जाऊंगी कटोरा। तेरे बालों को क्या कर लेती है तू है? मेरे बाल कभी टिकते ही नहीं। आगे आगे सारे ये तो पीस गया अच्छे से, देखो थोड़ा थोड़ा खुरदरा खुरदरा है। हाँ, जैसे ऐसा ही होना चाहिए ये वाला ना। हाँ, ये बिल्कुल तो नहीं मूंग दाल का हलवा। हाँ, मूंग दाल का देखा नहीं ऐसे ही होता। हाँ, बाहर भी ना खुदरा, खुदरा। हाँ। सही बढ़िया बनेगा। बने घी गर्म होएगा पहले, देन इसके अंदर डालेंगे जो हमने ये पीसा है। हो गया गर्म, अभी ये सारा इसके अंदर डाल देंगे। एक बार हमने ट्राई किया था तुमने? हाँ, फिर इतना बकवास बनाना हमसे, हमें बनाना ही नहीं आया। सही बताओ। हाँ, तन्नू ने ट्राई किया था, हम दोनों ने बनाना ट्राई किया, हमने कहा बना के देखते हैं। तो हमने ट्राई किया तो हमारा टेस्ट ही बड़ा लगाया, फिर हमने नहीं बनाया उसके बाद। ये तुमने देख वीडियो देखा था इसका कैसे बनता है? नहीं, देख लेते हैं ना कैसे बनता है। बिना वीडियो के बनाया तो कच्चा रह जाता। फिर अभी ना इसके अंदर घी ज्यादा क्यों डालते हैं? बिकॉज इसको ना कम से कम 15-20 मिनट तक ना घुमाते रहो, फिर ये गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है। इस वजह से ना इसके अंदर घी ना बहुत डालना पड़ता है। अभी घी डाला लेकिन अभी दोबारा फिर डालना पड़ेगा। हलवे में ना मेहनत बहुत ज्यादा है, मतलब इसमें लगता है टाइम, क्योंकि ये ऐसे नहीं कि आटे वाले हलवे की तरह बहुत जल्दी बन गया, इसमें टाइम बहुत लगता है बनाने में ना। सो अभी बीच में मैं थक गई और बीच बीच में अपनी बहन अगर है तो बहन की मदद ले लीजिए घुमाने के लिए, क्योंकि बहुत हाथ दर्द हो जाता है इसमें घुमाते घुमाते ना। ये देखो लाल लाल हो गया। हाँ, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है ना अभी। हाँ, है ना, अच्छा लग रहा है ना, खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। और यहाँ पे दूध उबाल दिया है, इसके अंदर दूध भी जाएगा अभी ना। और ना इसे नॉनस्टिक की कढ़ाई में पता है क्यों बनाने के लिए बोला था? बिकॉज ना ये जलता नहीं है नॉनस्टिक की कढ़ाई में ना, और दूसरी जो कढ़ाई होती है ना उसमें ये जल जाता है और चिपक जाता है ये वाला हलवा ना, तो इसलिए इसको नॉनस्टिक की कढ़ाई में ही बनाए जब भी बनाए ना। ये अच्छे से हो चुका है ब्राउन, और अभी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चीनी, जितनी दाल थी उतनी ही चीनी डालूंगी। और अभी इसके अंदर ना दूध मिक्स कर देंगे, एक गिलास दूध मैं डालूंगी इसके अंदर। अभी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये मिल्क, मूंग दाल के हलवे के अंदर मिल्क डालना जरूरी होता है, तभी वो डिलीशियस टेस्ट। वैसे खोया नहीं डालते इसके अंदर, तो इसकी जगह हम लोग ये दूध डाल सकते हैं, इससे काफी अच्छा और टेस्टी बनता है मूंग दाल का हलवा। इसे बनने में लगेगा टाइम, जब तक ये बनेगा तब तक मैंने रख दिया पानी, इसके अंदर पानी भी डलेगा। इतना सा ना फूड कलर डाला है थोड़ा सा ना, और अभी इसको उबाला दिलाएंगे, देन ये पानी ऐड करेंगे इस हलवे के अंदर ना। अभी इसमें डाल रहे हैं पानी, डाल दे, जब मैं बोलूंगी स्टॉप तब रुकना है, ठीक है? मुझे बस रुक जा, बस ठीक है, इतना काफी है पानी। पानी डालने के बाद इसे अच्छे से घुमाते रहे। वैसे भी तो सारी बनी बनाई है, पर हाँ हाथ थोड़ा थोड़ा दर्द हो जाता है हमारा। हाँ, इसलिए हम मिल जुल के कर देते हैं। हाथ थोड़ा दर्द हो जाता है ना, इसमें घुमाना बहुत ज्यादा होता है ना। अभी इसके अंदर डालेंगे देसी घी। हमने इतनी बड़ी करछी उठाई देसी घी के लिए। देसी घी इसके अंदर ना ज्यादा डालता है क्योंकि ये चिपके ना, और जब तक अभी ये देसी घी छोड़ नहीं देता ना हलवा, तब तक इसको घुमाते रहेंगे। हे प्रभु, बहुत मेहनत वाला काम है हलवा, बहुत अच्छा लग रहा है ना। येलो ये देसी घी दिख रहा है, ये देख, ये मैंने अभी डाला है। हाँ, दिख रहा है। ये अभी ना पूरा अलग हो जाएगा। अब देसी घी देख, घी छोड़ने लग गया, अभी डाले तूने? हाँ, छोड़ दिया इसने घी, अब छोड़ नहीं, अभी और पके, अभी तो और टाइम लगेगा इसको पकने। बहुत मेहनत का काम है इस वाले हलवे का खाना। हाँ, खाना नहीं है, सॉरी, बनाना क्या खाना? एक मिनट काम है इसे तो बना बनाया परोस रहे हैं।
तो यहाँ पे रोन आ चुका है कंचन के हाथ का हलवा खाने के लिए। ये देखो इसे आगे ये हलवा भी खाता है। हाँ? मीठा मीठा का मीठे का शौकीन है ये भी। सच में? हाँ मीठा कभी कभी खुशबू। मैं इसे जब तक घर पे देना था मैंने इसे कभी कुछ नहीं खिलाना सिखाया, तूने ही सिखाया इसको ये सारा कुछ। तो मत छोड़ के जाते मुंबई, मुंबई मुंबई में गई थी ना तू। हाँ। इसे छोड़ के मुंबई हम लोग काम करते थे तब, इसलिए हमें जाना था। अब ये चला गया लेक्चर तेरे सुन लेंगे तो बस मत दो, मत क्या? दो तुम सुना ही देते हो बस हम मत खिलाओ। सुन के मेरे अलग वो सुन के देखो सो ही गया जाके कि मत ही खिलाओ। ठीक होते ही सबसे ज्यादा मेहनत लग रही है इतने दिन से काम नहीं किया, सीधा है कि मेरी मेहनत लग गई आज मेरी सारी। क्या करे आता है तुझे बनाने। अच्छा। यार मैंने ना कभी लाइफ में नहीं सोचा था, ठीक है मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मुझे हलवा बनाना आएगा, क्योंकि ये मेरे लिए बचपन में टास्क होता था। मुझे ना बहुत अच्छा लगता था हलवा बनाना, ना इतना ज्यादा अच्छा लगता मैं पागल थी हलवे के लिए। बट ना जब पहली बार बनाया ना मुझे तो आज तक नहीं आया हलवा बनाना। और मुझे डोली से हम मुश्किल काम कभी नहीं कराते, हम आसान आसान काम करवाते हैं। सबको इतना पसंद है मम्मी डैडी को हलवा, इतना ज्यादा अच्छा लगता है। इस तरह लोगों को भी खिलाया फ्रेंड्स वर्दी को भी ना हलवा बहुत टेस्टी लगा था सबको। बट थैंक गॉड मुझे आ गया यार, ये मेन होता है हलवा है ना। तुम लोग भी सीख लो शादी होने से पहले हलवा, फर्स्ट रसोई में हलवा आना चाहिए ना। ये लग रहा है ना मस्त वैसा हलवा है तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, जैसा वो होता है हलवाइयों की शॉप्स पे वो वाला, तो उसमें तो मिला होता है शायद से खोया भी मिला होता है। इसके अंदर ना कुछ भी नहीं मिक्स होता, इसके अंदर सिर्फ दूध डालना है पानी डालना है और अभी एंड में इसमें ऐड कर देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, फिर ये बिल्कुल रेडी हो चुके जाएगा। सो अभी देखिए ये घी छोड़ने लग गया, दिखाना इधर, ये देखो ये साइडों पे दिख रहा है घी छोड़ रहा है। तो अभी ये हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है खाने के लिए, ठीक है अभी ये बिल्कुल परफेक्ट है। और ये देखो ये बिल्कुल भी चिपका नहीं है, ये चिप क्योंकि तभी इसके लिए घी ज़्यादा डलता है, ये चिपकता नहीं है और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है अब खाने के लिए। अभी इसे करेंगे सर। अभी ये डोली में ड्राई फ्रूट्स कट किए थे और इन ड्राई फ्रूट्स को ना आप पहले घी के अंदर भी भून के डाल सकते हो, बट मैं नहीं डाल रही क्योंकि ज़्यादा घी 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 हो जाता है ऑलरेडी इसके अंदर इतना ज़्यादा डला है। अभी इसके अंदर थोड़ा ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट से हलवे का रंग रूप निखर आएगा सारा। उप्स गिर गया। टॉपिंग्स ऐड कर दिए मैंने, सही लग रहा है ना, सुंदर लग रहा है ना। इधर अभी इसको घुमा देंगे, बहुत अच्छा दिख रहा है। मेरा तो मन कर रहा है अब खाने का, कितनी देर लगा दी अब खाने का। मेहनत का फल मीठा होता है, हलवा भी मीठा है। मैं बताऊँ कैसा लग रहा है तन्नू? बहुत टेस्टी बना है सच्ची, हर महीने आ जाएगा बनाने। डोली कैसा बना है? गजब का। गाइस इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं और आप लोगों को हमारा ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना और वीडियो को शेयर भी करना। हाँ शेयर कीजिए। अब हम मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।